बाहर में जाए वो मोहब्बत जिसका मकसद तुम्हारे जिस्म से कपड़े उतारना है, बाहर में जाए वो वादे, बाहर में जाए वो कस्में जिन्हें लोग तुम पर अपना हथियार बनाकर चलाएंगे, तुम्हें उलझनों और बेचैनियों में शामिल करेंगे। अपने आप को उन लोगों में शामिल नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल डिवर्टीमेंटो विथ लेबडीज। किसी की बहन को फूल देने से पहले ये सोच लेना कि ये फूल शाम को तुम्हारे घर भी आ सकता है। बाहर में जाए वो दुनिया जो तुम्हारे हया के पीछे है, बाहर में जाए वो मोहब्बत जिसका मकसद तुम्हारे जिस्म से कपड़े उतारना है, बाहर में जाए वो वादे, बाहर में जाए वो कस्में जिन्हें लोग तुम पर अपना हथियार बनाकर चलाएंगे, तुम्हें उलझनों और बेचैनियों में शामिल करेंगे। अपने आप को उन लोगों में शामिल नहीं करना जो कल इज्जतों और हयाओं के जनाजे निकालेंगे, एक दूसरे की मीठी मीठी बातों में आकर बहुत गंदे गंदे फैसले करेंगे। ये जिस्मों के शौकीन अपने जिस्मों का शौक पूरा करने के लिए एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाएंगे। आपने बेहयाई का सौदा नहीं करना, आपने शरीयत का मजाक नहीं बनाना, एक गिफ्ट और दो चार मीठी बातों की वजह से अपनी हया का सौदा नहीं बनाना। हमने मरना है, मरने के बाद कोई मोहब्बत साथ नहीं जाती, कोई दौलत साथ नहीं जाती, किसी के किए गए वादे और उठाई गई कस्में हमें कोई फायदा नहीं दे सकती। मरने के बाद हम अकेले हैं, हर तरह से अकेले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया के हवाले खुद को ना करो, इस बेहुदा कल्चर से बचो जो वैलेंटाइन डे के नाम पर लोगों के कपड़े उतारने का कल्चर है। ये बेहूदगी का कल्चर है, ये अंग्रेजों का कल्चर है। उदारा खुद को इस चीज़ और इस माहौल के लोगों से दूर रखें। जी हाँ दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी आने वाली नस्लों को ये पैगाम दें कि ये 14 फरवरी वैलेंटाइन डे का डे नहीं बल्कि हिजाब डे का डे होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मेरी ये रिक्वेस्ट पापा की परियों और पापा की लाडलियों से है। अपने आप को पहचाने और इस्लाम को पहचाने कि ये दिन वैलेंटाइन डे का दिन नहीं होना चाहिए बल्कि ये दिन हिजाब डे का दिन होना चाहिए। उदारा उदारा इस बेहूदगी के कल्चर से निकलें और इस्लाम की रोशनी की तरफ आएं। इस्लाम का दूसरा नाम हया है और वैलेंटाइन डे बेहयाई ही बेहयाई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने इस दोस्त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।